Hello everyone, I'm Saurabh Patel. Hi, Meghna here. Hi everyone, I'm Zafin Khan. ये है लोकरंग गणतंत्र का उत्सव. Lokrang is an annual art fair conducted in the last week of January every year. Popularly known as Lokrang Ganatantra Ka Utsav, this fair is an excellent representation of the rich art and culture of and other places and was concluded by the Sufi night performance from Hans Raj Hans. There was an exhibition ongoing on the sideline. Each time Lokrang presents something new and unique for the art lovers of the city. Artists from different parts of the country like Uttar Pradesh, Jharkhand, Rajasthan, Orissa, Gujarat showed their talents. Lokrang continues to entertain the people of the state capital for the past 29 years, this year being its 30th. Lokrang, a fair representing varied colors of Indian art and culture. This 5-day long fair includes various cultural programs like dances and other performances. A theme-based cultural fair held every year. This year, the theme was Airavat, which is mythologically believed to be Lord Indra's vehicle, and Anhad, meaning dholak, a musical instrument. ये ऐसे हाथी बनाने में तो एक दो दिन ही लग जाए, तीन दिन ही लग जाए, बड़े हाथी बना तो 5 दिन ही लग जाए. अच्छा अच्छा अच्छा. छोटा हाथी बना तो दिन में 2-3 ही बना लूं. अच्छा ऐसा है, मतलब आपको पहले से बताया गया था यहाँ आने से पहले कि आपको हाथी ही बना के लाने हैं या आप और भी कुछ? नहीं, आप पहले बताया था कि और सामान लाया हमें. हाँ. और हाथी ज्यादा में लाना था, हाथी में एक टन भर के लाया. अच्छा अच्छा अच्छा. तो ये हाथी का नाम क्या है पता है आपको? हाथी का नाम हाथी है ना. People from around the city come and enjoy the various talents and arts presented in the fair. There is also an ongoing exhibition which displays Indian art and crafts like Madhubani, miniature paintings, glass and stone jewelry, cloth materials like khadi, bark prints, saris from Banaras, woolens from Kashmir, decorations made of brass material. बिहार से आया है मिथिला पेंटिंग लेके, जिसे मिथिला पेंटिंग का नाम है, मधुबनी पेंटिंग के नाम से लोग जानते हैं. बंधेज फ्रॉम गुजरात, क्लेवर्क फ्रॉम राजस्थान, आदिवासीज प्रेजेंटिंग डेकोरेशंस एंड लैंटर्न्स मेड ऑफ गॉड. जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये लौकी से बनाई गई है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत चीज इनने बनाई है. तो सर, ये आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि ये लौकी से बनती हैं सब चीज़ें? यहाँ हम लोग क्या है, बस्तर में पानी का यूज करते थे, पेज का यूज करते थे, अब धीरे धीरे वहाँ भित्ति चित्र जैसे ड्राइंग करते थे. ओके. ड्राइंग करके बनाते थे. उस चीज़ में क्या है, मात्र आदिवासी का कला चित्र था, ये लेम्पनी था, उसमें आदिवासी में क्या कला होता था उस चीज़ को बनाते थे. अब ये मैं फिर दिमाग में सोचा कि ये किस तरह से अच्छा बेहतरीन देखेगा, किस तरह से बनेगा तो आदमी को या तो पब्लिक को खूब अच्छा लगेगा, इस तरह सोच के फिर मैं ये चीज़ बनाया. तो अभी लाइट लैंप बना है. माउथ वाटरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक बिहार, बुंदेलखंड, महाराष्ट्र वॉज अप्रिशिएटेड बाय द पीपल. जी बताइए, आपने खाया क्या क्या? हमने बिहार, इसलिए कि मैं बिहार की, इसलिए बिहार के स्टॉल की चीज़ें खाई. तो मतलब टेस्ट सिमिलर है या डिफरेंट है? अब बिहार छोड़ो तो 30-35 साल हो गए, अच्छा ही लगा. मतलब बिहारी खाने में भोपाली तड़का लग गया है. हाँ. आपको कैसे लगा खाना? बहुत अच्छा. मैं हमें बोला ना, हमेशा यहाँ खाना भी खाती हूँ. महाराष्ट्रियन लिया हम लोगों ने झुलका वाकर, बहुत टेस्टी था. ओके ओके. तो इनको शॉप्स के साथ साथ खाना भी बहुत पसंद आया, तो इनका ओवरऑल बहुत हैप्पी एक्सपीरियंस रहा. पधारो हमारे देश के सर.
हेलो एवरीवन, हम हैं लोकरंग के अनहद सेक्शन में और हमारे साथ जुड़े हैं महेश चंद शांडिल्य जी। ये संस्कृति विभाग के एक मेंबर हैं। आइए इनसे लोकरंग के बारे में और कुछ जानते हैं। इस समय जो लोकरंग में आप देख रही हैं, तो हमने वाद्यों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया है। अच्छा, इसमें 11 राज्यों के वाद्य लगाए हुए हैं। मतलब बताना चाहते हैं कि हमारे मूल वाद्य क्या रहे हैं और आज तक जो वाद्यों का मतलब प्रयोगवादी जो वाद्य बने हैं, यहाँ तक की यात्रा क्या है, जो मैसेज है वो आप लोगों को क्या देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये विशेष रूप से तो वाद्य जो है नाद ब्रह्म की उपासना है। अच्छा। तो हम कौन से वाद्यों को भूलते जा रहे हैं या कौन से वाद्यन की परंपरा विलुप्त होती जा रही है, तो कम से कम जो नई पीढ़ी है वो इन वाद्यों के प्रति उनका झुकाव हो, और मूलतः ये भी है कि इनके वाद्यों का संरक्षण संवर्धन प्रोत्साहन कि कम से कम बजाने वाले लोग मिले और नई पीढ़ी को ये मैसेज जाए कि हमारे जो बाप दादा जो बजाते रहे उसको हम फिर से जीवित करें या नहीं जीवित करें तो उनके बारे में जानें। The day was full of cultural performances and the melodious voice of Hans Raj Hans was cherished by the people under the twinkling stars. In spite of the cold weather, people came and enjoyed the fair and tried to understand the literal meaning of Lokrang by connecting themselves to the rich art and craft and culture of our country. और इतनी चिलिंग ठंडी होने के बाद भी लोगों का एक्साइटमेंट इज एट इट्स पीक। 14 डिग्री सेल्सियस है अभी का टेम्परेचर, बट जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं। सो आइए चलते हैं और किसी एक से बात करते हैं, लेट्स सी उनका एक्सपीरियंस क्या है। टेल मी, आपने लोकरंग कितना घूम लिया? अभी तक तो ऑलमोस्ट पूरा घूम लिया, बस ये पीछे की दुकानें बची है, कवर अप करते हैं। ओके, तो आपका अभी तक जितना लोकरंग आपने घूमा उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? बढ़िया एक्सपीरियंस है, नई नई चीजें देखने को मिली, भीड़ थोड़ी ज्यादा है बट बढ़िया। तो आज लास्ट डे आई गेस ना? हां डेफिनेटली, इसलिए तो हम भाग कर के आ गए। तो कुछ डिस्काउंट मिला किसी शॉप में? नहीं मिला, खरीदारी भी हो गई। और आपने कुछ ट्राई किया, कुछ खाया पिया? बस अभी वहीं जा रहे हैं, जब तक वो आते हैं उसके बाद फिर से बताएंगे कैसा। ओके श्योर, तो वी विल गेट बैक टू यू। तो जैसे कि आपने देखा कि लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस है बहुत खुश हैं और उन्हें लोकरंग पसंद भी आ रहा है, नया एक्सपीरियंस है, मेलों से डिफरेंट है और खाना भी पसंद आ रहा है। जो